हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन गाइस, आज जो है वो स्कूल का फर्स्ट डे है, यानी 5 जून। आज 5 जून को जो है स्कूल का फर्स्ट डे है, और छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो सुबह आने वाले हैं, और बड़े बच्चे जो है वो दोपहर को आने वाले हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरा स्पेशल जो है वो बच्चों पर है। आज बच्चे आएंगे, कैसे उनका स्वागत करेंगे, कैसे वो सब इंजॉय करेंगे, और दिन उनका कैसा जाएगा, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो आज बच्चे जो है वो भी एकदम बड़ा सा वेकेशन करके आए हैं, 22 और 25 दिन का वेकेशन करके आए हैं, और कई बच्चे जो है वो अब तक वेकेशन कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनको वेकेशन करने देते हैं, क्योंकि फाइनली जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो सबको आना ही पड़ेगा। लेकिन आज का दिन जो है वो हम खास करके बच्चों का वेलकम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से वेलकम करेंगे, और थोड़ा सिंपल तरीके से वेलकम करेंगे। वैसा कुछ नहीं करना है दिखावे के लिए कुछ भी, लेकिन उनको जो अच्छा लगे और उनके लिए जो अच्छा हो वैसा हमें करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कि अभी बच्चे जो है वो अपनी एंट्री कैसे ले रहे हैं। अभी मैं पहला शूट जो है वो छोटे छोटे बच्चों का लेने वाली हूँ, फिर मैं आपको बड़े बच्चों का दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कैसे अपनी एंट्री ले रहे हैं।
जैसे मैंने बोला कि हमने पहले छोटे बच्चों का लिया था, अब छोटे बच्चों के बाद आ रहे हैं बड़े बच्चे। आज फर्स्ट डे है तो जो उनकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हमारी जो रस्म है वो हम निभाएंगे। बच्चे आएंगे और माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे और प्रसादी लेंगे, फिर जो है वो अपने क्लास में जो है एंटर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बड़े बच्चे आएंगे और माता जी का दर्शन करेंगे और मैं सबको आपको सबसे मिलवा दी हूँ। चलिए सभी बच्चों को लेना है, आपको तिलक भी लगाना है और प्रसादी भी लेनी है, ठीक है? सभी माता जी को प्रणाम करेंगे। सो आज इनका जो है फर्स्ट डे है और एक्साइटेड है थोड़े से। जो नए बच्चे हैं वो थोड़े गंभीर लग रहे हैं क्योंकि नई स्कूल है उनके लिए, तो उस हिसाब से जो है उनका मूड थोड़ा सा होता है, लेकिन वो थोड़े दिन जाएंगे फिर वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अभी कविता मैडम और काजल मैडम जो है बच्चों का वेलकम कर रही है, उनको तिलक लगा रही है और प्रसादी दे रही है। तो ये जो है कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा शगुन माना जाता है तिलक करना, जो पॉजिटिव थिंग है कि जब कुमकुम और जो चंदन का तिलक अगर लगाते हैं हम अपने कपाल पर, तो इससे ना एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आती है। तो हमारी शुरुआत भी आज हम वहीं से करेंगे कि कुमकुम का तिलक बच्चों को लगाएंगे ताकि पहले दिन ही जो है उनको एनर्जी मिल जाए। और प्रसादी में जो है यहाँ पे गुजरात में फेमस जो है इसको पेड़ा बोलते हैं, तो मावा का पेठा जो है वो हम बच्चों को देंगे ताकि उनका मुंह जो है वो पहले से ही मीठा हो जाए, तो बच्चे जो है पूरे साल जो है मीठी मीठी बातें करें और अच्छी तरह से अपनी स्टडी करें। तो ये सारे लड़के जो है अभी उनकी लाइन यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है और लड़कियाँ जो है वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रही है, तो लड़कों की बारी ख़त्म होते ही फिर यहाँ पे एंट्री लेंगी लड़कियाँ, तो हम उनका भी वेलकम जो है उस तरीके से ही करेंगे। तो ये तो साक्षात माता जी कहा जाता है लड़कियों को, तो उनका भी वेलकम हम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है लड़कियाँ अभी आ रही है। देखिए बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं यहाँ पे, ये जो बच्चे हैं वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से यहाँ पे शुरू हुए हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस देखिए, आज उनका फर्स्ट डे है फिर भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छी तरह से जो है वो नमन कर रही है माँ सरस्वती के सामने और अपने कपाल पर जो है वो तिलक लगवा रहे हैं कुमकुम का, और प्रसादी लेकर फिर ये लोग जाएंगे क्लास में। और ख़ास करके आज का दिन जो है वो पर्यावरण डे आज है, इन्वायरमेंट डे, तो पर्यावरण जो है उसको हमें स्वच्छ रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर अगर पोल्यूशन होगा तो हमारे लिए वो खतरे की निशानी है। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं दोपहर को, आज जितने भी बच्चे आए हैं उन सारे बच्चों को जो है हम आज सिखाएंगे कि हमें अपनी आसपास की जो जगह है वो किस तरह से साफ़ रखनी है। अगर कोई गंदगी है हमारे आसपास तो उसको हमें साफ़ रखना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने खुद को शरीर को साफ़ रखते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, हम नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वैसी तरह ही हमारी आसपास की जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, घर का आंगन हो या फिर घर हो, उनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो आज पहले दिन ही बच्चों को जो है वो लेसन सिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास गार्डन भी है और मैदान भी है, तो बच्चे जो है आज गार्डन और मैदान को साफ करेंगे, उनमें से कचरा जो है वो इकट्ठा करेंगे और पौधों को पानी देंगे, तो उनका जो है उनको ये सीख मिल जाएगी कि हम अपने आसपास का वातावरण अगर शुद्ध रखते हैं तो इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है और हमारा जीवन जो है वो भी शुद्ध होता है।
तो अभी देखिए ये सब बच्चे यहाँ पे आ गए हैं और अब हम जाएंगे सीधा बाहर जाएंगे। इनके बाद इनको पहले यहाँ पे क्लास में मैडम इनको समझाएंगे कि एनवायरनमेंट डे क्या है, हमारा पर्यावरण दिन जो है आज हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका महत्व क्या है। तो ये समझने के बाद फिर ये लोग बाहर जाएंगे और साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है सभी बच्चों ने माता जी के दर्शन किए और आशीर्वाद ले लिए है कि माँ सरस्वती जो है उनके जीवन में अच्छा सा जो है वो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, तो उनके जीवन में बहुत अच्छी विद्या मिले उनको, तो इसीलिए उनके दर्शन करके अब सब अपनी क्लास में गए हैं। तो हम भी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी विद्या सदैव मिलती रहे। तो गाइस जैसे मैंने बोला कि आज जो है एनवायरनमेंट डे है और बच्चे देखिए हाथ में कचरा लेके खड़े हैं, क्या करने वाले हो कचरों का? कहाँ पे डाल देने वाले हो? डस्टबिन में। तो ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन रखी है, बच्चे कचरा डालेंगे उसमें। सभी बच्चों ने जो है अलग अलग जगह से जो है ये कचरा इकट्ठा किया है और देखिए यहाँ पे इन लोगों के हाथ में है, यहाँ पे बहुत सारी डस्टबिन भी रखी गई है, अभी डस्टबिन में डाल दीजिए। चलिए तो सारे बच्चे देखिए अभी कचरा डस्टबिन में डाल रहे हैं। कैसा लगा काम आपको? सबको बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो उसका मतलब ये भी है कि घर को भी ऐसे ही साफ रखना है। क्या करना है? हमारे घर के आंगन को भी साफ रखना है और खुद को भी साफ रहना है। किसको पसंद है अच्छा टिकटॉक दिखना? सबको पसंद है ना? तो फिर जैसे ही हम लोग ना अच्छी तरह से सजते सवरते हैं तो हम अच्छे लगते हैं, वैसी तरह से हमारे आसपास का वातावरण जो है वो भी अच्छा रखना चाहिए, ठीक है? सो देखिए अभी ये लोग बहुत खुश है और कचरा इकट्ठा करने जा रहे हैं। वो लोग ना अभी उनको सबको पता है कि जहाँ जहाँ पे यहाँ पे पेड़ लगाए हैं वहाँ पे जो है पत्ते ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैदान तो साफ़ रहता है, हर रोज़ यहाँ पे जो है साफ़ सफाई हमारे यहाँ होती है तो मैदान ज़्यादा तो साफ़ रहता है। तो ये लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे उनको कचरा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पत्ते वहाँ पे गिरे हुए होते हैं। तो ये बच्चे देखिए अभी पत्तों का जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं सभी पत्ते को और कचरा भेगा एक साथ जो है इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए बहुत खुश है और यहाँ पे आ आके वो जो लोग है वो कचरा यहाँ पे डाल रहे हैं और इनको जो है वो खुशी मिल रही है, कचरा डालने में भी खुशी मिल रही है, कचरा उठाने में भी खुशी मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में बच्चे ये कर रहे हैं। अब कचरा जो है बच्चों ने उठा लिया है और सफाई कर ली है, लेकिन अभी यहाँ पे ये लोग पेड़ों को भी है पानी डालने वाले हैं। पेड़ पौधे देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे है, गुलाब के जो है, और ये देखिए 100 पीस यहाँ पे रखे गए है और रोज़ वाले तो हमारे पास बहुत सारे है। और ये है सेतूर, देखिए यहाँ पे उनका भी पेड़ है और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये है डॉलर, तो उसका भी यहाँ पे पेड़ है और हिबिस्कस यानी जासूद का भी पेड़ है। और ये देखिए ये भी है, गुच्छा है पूरा, मुझे इनका नाम पता नहीं है लेकिन ये ऐसे ही गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सनफ्लावर्स जो है वो भी बहुत सारे हैं। तो पेड़ पौधे जो है हमने बहुत ही लगा रखे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे बच्चे जो है वो रेडी है और वो पानी डालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे कैसे पानी देते हैं पेड़ पौधों को। चलो बच्चों पानी दो सब। तो उनके लिए वो जो उठा सके वैसे सामान में उनको दिया जा रहा है यहाँ पे पानी, और बच्चे जो है वो पानी डाल रहे हैं पेड़ पौधों में। देखिए ये बहुत ही अच्छा सा सिस्टम है, इनको भी बहुत मज़ा आता है और काम भी हो जाएगा और इनको पता भी चलेगा कि ये सब करना ज़रूरी है, पेड़ पौधों को जो है पानी देना चाहिए। तो अभी बच्चे जो है वो एक्टिव है और यहाँ पे थोड़े थोड़े बच्चे आएंगे और पेड़ पौधों को पानी देंगे।
सभी बच्चे जो है वो अलग अलग जगह पर जाएंगे और पेड़ पौधों को जो है पानी देंगे। सबको कैसा लगा आज बच्चों ने जो है फर्स्ट डे अपना सेलिब्रेट किया है, माता जी को जो है प्रणाम किया है और इंजॉय किया है, स्टोरी सुनी है, फिर इन्वायरमेंट डे है तो इन्वायरमेंट को जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध करने की कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा रहा और हमने बच्चों के साथ ना काफ़ी सारी रील्स भी बनाई है। आज मैं बच्चों को थोड़ा सा सोशल मीडिया में भी अपलोड करती रहती हूँ उनके वीडियोस, और एक्टिव यहाँ से मैं अपने ही चैनल से रखती हूँ ताकि उनमें जो टैलेंट है वो कई बार ऐसा होता है कि वो उनको नहीं पता होता है, लेकिन मैं छुपके से कई बार शूट कर लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर इसमें ये स्किल है तो मुझे उसको उसमें मोटिवेट करना चाहिए तो वो आगे जाकर उसमें आगे बढ़ सके। तो अभी आपने देखा कि हमने जो है उनके साथ आज बहुत ही अच्छा दिन स्पेंड किया, तो बच्चे बहुत प्यारे थे, आज फर्स्ट डे था लेकिन बच्चे बहुत सारे बच्चे थे तो आज उनके साथ बड़ा मज़ा आया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दूसरों को भी भेजो वीडियो तो सबको जो है ये वीडियो देखने को मिले और वो भी सीखे और देखे कि बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।